कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी और हरिद्वार से आज इस ऑनलाइन यह कार्यक्रम जो पूरे प्रदेश के अंदर आज एक साथ हो रहा है, हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी धन सिंह नगर से ऑनलाइन जुड़े हुए, हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय जनक जोशी जी रुद्रप्रयाग से ऑनलाइन जुड़े हुए, माननीय मंत्री श्री सौरभ भोगड़ा जी मंच पर उपस्थित, इस पौड़ी क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और जिनके विशेष आग्रह पर आज यह कार्यक्रम यहाँ पर पौड़ी से पूरे प्रदेश का कार्यक्रम आज उद्घाटित हो रहा है। ऐसे आप सबके सेवक भाई डॉक्टर राजकुमार पौड़ी जी, हमारे लहसुन क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय महंत दिलीप रावत जी, यमकेश्वर क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती शांति देवी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष पौड़ी आदरणीय दीदी सुषमा रावत जी, हमारे कोटद्वार जिला जो कि हमारा संगठन की दृष्टि से है, उसके नवनियुक्त अध्यक्ष भाई वीरेंद्र रावत जी, नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम जी, नैनीताल हमारे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई पंडित राजेंद्र अंतवाल जी, नैनीताल से ऑनलाइन जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ विधायक आदरणीय बंशीधर भगत जी, हरिद्वार से ऑनलाइन जुड़े हुए आदरणीय विधायक मदन कौशिक जी, नैनीताल से आदरणीय सरिता आर्या जी, रामपुर से आदेश चौहान जी, मंजा सिंह इस पौड़ी क्षेत्र के पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई मुकेश कोहली जी, आदरणीय विजय कपरवान जी, नगर पालिका अध्यक्ष चमोली बागेश्वर से इस कार्यक्रम में जुड़े हुए आदरणीय चंद्रम रामदास जी, सभी टिहरी क्षेत्र से जुड़े हुए सभी माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी समेत सभी ब्लॉक प्रमुख उत्तरकाशी चंपावत टिहरी बागेश्वर चमोली अल्मोड़ा जागेश्वर से मोहन सिंह महाराज जी, जिलाध्यक्ष रमेश बहुड़ा जी एवं समस्त जुड़े हुए हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी आदमी विधायकगण, सभी जिला पंचायत के अध्यक्षगण एवं सभी ब्लॉकों से आए हुए सभी हमारे ब्लॉक प्रमुख मंचा सिंह, सभी हमारे अतिथिगण, हमने नामों की औपचारिकता में जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड की समस्त नारी शक्ति को नमन करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस वितरण योजना के शुभारंभ की बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज इस योजना का शुभारंभ हमारी सरकार ने जो वायदा किया था वो निभाया के मंत्र को सार्थक कर दिया। भाइयों बहनों, चुनाव से पहले बहुत सारी पार्टियां आती हैं, अपने अपने तमाम प्रकार से लोगों के सामने घोषणा पत्र रखती हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में हमने तय किया था कि हम घोषणा पत्र तो रखेंगे लेकिन वह घोषणा पत्र नहीं होगा बल्कि वह हमारा संकल्प पत्र होगा और हम उसको संकल्प लेकर उसको सिद्धि तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसके क्रम में आज यह मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना का शुभारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, आज हमारा देश, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
मोदी जी के कर्मशील नेतृत्व में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। और यदि हम 2016 पहले, क्योंकि विलंब काफी हो गया है, लेकिन मैं आप सबके सामने कुछ उन बातों की भी याद दिलाना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2014 तक का हम समय याद करें तो हमें उस समय में याद आएगा कि केंद्र में जो सरकार होती थी उस सरकार के समय में केवल भ्रष्टाचार होता था, अपराध होता था, घोटाले होते थे, हारा हुआ युवा वर्ग और शौच के लिए बाहर जाने पर महिला वर्ग ध्यान में आता है। भाइयों बहनों, बड़े बड़े घपले, घोटाले, एक के बाद एक घोटाले, 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम का घोटाला, कोयला का घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल का घोटाला, सोसाइटी जमीन खरीद का घोटाला, ऐसे इतने घोटाले, कोयला घोटाला। अगर हम घोटालों की याद करें तो मैं समझता हूं कि मैं अगर यहां से कई घंटों तक भी बोलता रहूंगा तो वो घोटाले पूरे नहीं होंगे। और यह हम सबके लिए गर्व का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों की हर समस्या को अपना समझकर और केवल प्रधानमंत्री के रूप में ही नहीं, उन्होंने देश के अंदर अभी कोरोना महामारी आई थी और उस कोरोना महामारी के समय में एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि देश में रहने वाले हर नागरिक के लिए जैसे एक अभिभावक काम करता है, माता पिता जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से सोचने का काम किया। भाई बहनों, अगर हम किसी भी क्षेत्र की बात करें तो हमको ध्यान में आएगा इस प्रकार से हमको एक के बाद एक कोरोना की वैक्सीन दी गई, कोरोना की वैक्सीन देश के अंदर निर्मित की गई, निःशुल्क रूप से एक वैक्सीन, एक डोज, दूसरी डोज, तीसरी डोज, और जिसके बारे में अभी हमारी मंत्री बहन रेखा आर्य ने यहां से बताया कि किस प्रकार से गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तारित किया गया है जो मार्च 2020 से प्रारंभ हुई और उस योजना के पीछे हेतु था कि एक भी गरीब, एक भी सामान्य मजदूरी करने वाला, सामान्य स्थिति में रहने वाला कोई भूखा न रहे, किसी को भूखे पेट न सोना पड़े, इसलिए गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई और उस योजना को इस वर्ष भी विस्तारित कर दिया गया है। पूरे वर्ष भर के लिए ये योजना लागू कर दी गई है। भाइयों बहनों, मैं पौड़ी के इस ऐतिहासिक कंडोलिया मैदान से माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की बिल्कुल जनता की ओर से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो सामान्य बजट हमारा इस बार का आया है, आम बजट आया है, उस बजट में इसका प्रावधान किया गया है। आज देश में खुले में शौच से मुक्ति के लिए जहां शौचालयों का निर्माण हुआ है, वही हमारी माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दिलवाने के लिए भी उज्ज्वला योजना का संचालन की कुशलता पूर्वक हो रहा है। भारतीय संस्कृति में क्या खूब कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रवन्तु तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है, जहां नारी की पूजा होती है, उनका सम्मान किया जाता है, वहां देवताओं का वास होता है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बाबा केदार, मां धारी देवी, जिसके बारे में अभी डॉक्टर धन सिंह जी ने बताया कि पूरी योजना हमारी 34 करोड़ रुपए की योजना पूरी हो गई है और जल्दी ही वो उसका लोकार्पण भी होगा मां धारी देवी की कृपा से। मैं बाबा केदार और मां धारी देवी को साक्षी मानकर देवभूमि की समस्त नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए इसी कथन को अपना ध्येय मानकर नारी शक्ति को प्राथमिकता में लेकर निरंतर कार्य करेंगी। भाई बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर इस प्रयास में लगे कि हमारी मातृशक्ति का जीवन जितना अधिक ऊपर उठाया जा सकता है, जितना उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, हम उस पर काम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने 30% आरक्षण देने के साथ ही महिला नारी सशक्तिकरण योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसी अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं। इसी के साथ साथ गौरा शक्ति ऐप के माध्यम से
जहां हमने अपनी बहनों के, हमारी माताओं के, संपूर्ण हमारे बेटियों के लिए उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता प्रबंध किया है। और मैं अभी पूछ रहा था कि यहाँ की पुलिस अधीक्षक श्वेता जी से कि उन्होंने मुझे बताया कि 15,000 हमारी मातृशक्ति ने गौरा शक्ति ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। एक बड़ा रिकॉर्ड है। आज वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, सामाजिक न्याय की बात हो, हर क्षेत्र में महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा बनाए जाने वाली प्रत्येक योजना में मातृशक्ति प्राथमिकता में रही है। और यह इसलिए भी है भाई बहन, आज प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर उनके मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं। और अरविंद मोदी जी ने स्वयं इन कष्टों को अपनी आंखों से देखा है और मैंने भी स्वयं इन कष्टों को देखा है। भाइयों बहनों, मैं जानता हूं हमारे पहाड़ों में किस प्रकार की परेशानी हमारी माताओं बहनों को होती है। न जाने कितनी माताएं बहने हैं वो अपने बच्चों को आज भी पीठ में बांध कर घास काटने के लिए जाती हैं, घर के काम करने के लिए जाती हैं, खेती करने के लिए जाती हैं। हम उसी परिवेश से आए हुए, उसी परिवेश को हम लोगों ने नजदीक से दिया है। इसलिए मैंने स्वयं देखा है कि महिलाओं को जब चूल्हों में खाना पानी पकाना पड़ता था तो वो लकड़ी बिताती थी, कितनी बार तो दुर्घटनाएं हो जाती थी। और न चाहते हुए बहुत बड़ी मात्रा में धुआं उनके पेट के अंदर चला जाता था और धुएं के कारण से जहां फेफड़ों की बीमारी, दिल की बीमारी, लीवर की बीमारी, तमाम प्रकार की बीमारियां उनको लग जाती थी भाई बहनों, क्योंकि 300 बीड़ी सिगरेट के बराबर एक दिन के अंदर धुआं उनके पेट के अंदर चला जाता था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से पूर्व किसी ने भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज उज्ज्वला योजना के जरिए प्रधानमंत्री जी ने देश की महिलाओं के इस दर्द का, देश की आजादी के बाद आजाद भारत के अंदर कोई जो समाधान नहीं कर पाया, उस समाधान को भी करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की माताओं बहनों ने जो आशीर्वाद और इसने हमारी सरकार को दिया वह अभूतपूर्व है। हम उसको कभी भी अपनी स्मृति से नहीं हटा सकते। वो हमेशा हमारी स्मृति में, विगत चुनाव में अपने दृष्टिपत्र में हमने महिलाओं के लिए अंत्योदय निःशुल्क गैस योजना, जिसमें 1,76,000 परिवारों को सीधे सीधे इस योजना से लाभ मिलने वाला है, इसको लागू करने का हमने आपके सामने वचन दिया था, संकल्प किया था, वायदा किया था। मुझे सौभाग्य मिला, मेरा सौभाग्य है कि मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आज इस योजना का आप सबके सामने आकर इसका शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस योजना को प्रारंभ करने के लिए मैं हमारी महिला सशक्तिकरण और खाद्य मंत्री और खेल नीति मंत्री बहन रेखा आर्या जी को भी बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। आदरणीय भाइयों बहनों, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में आज डबल इंजन की सरकार श्रेष्ठ उत्तराखंड के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड देश के अग्रणी राज्यों में हो, उसके लिए हमने विकल्प सही संकल्प लिया है। और इस संकल्प की पूर्ति के लिए हमारी सरकार महिला शक्ति को साथ में लेकर निरंतर कार्य कर रही है। वहीं हमने अपनी मातृशक्ति के लिए लखपति देवी योजना भी प्रारंभ की है। केवल लखपति देवी योजना ही प्रारंभ नहीं की है, हमारा नया बजट बन रहा है। उस नए बजट में हम उसमें प्रावधान करने वाले हैं कि कैसे हमारी 1,25,000 का हमने लक्ष्य दिया है। ये केवल लक्ष्य है, हम इसे दुगना और तिगुना करके हमारे प्रदेश की रहने वाली हर माता हर बहन को लखपति बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, अभी आपने देखा होगा कि अभी यशपाल बेलाम जी ने यहां से संबोधन में कहा कि यहां भर्तियों में घपले घोटालों की बात आ रही है। मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि ये भर्तियों में जो घपले घोटाले हैं, ये घपले घोटाले आज के नहीं है भाई बहन। ये घपले घोटाले 2014 से 2015 से लगातार चल रहे थे और लगातार इसकी शिकायतें भी आ रही थी।
लगातार लोग इसके बारे में कह रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जांच नहीं हुई भाई। पिछले वर्ष जुलाई के महीने में मुझे कुछ नौजवान मिले, कुछ युवा आए, कुछ बेरोजगार भाई आए, उन्होंने मुझे कहा मुख्यमंत्री जी ये पिछली जितनी परीक्षाएं हुई है उनमें सबने घर के घोटाले हुए। मैंने कहा एकदम से जांच करवाना थोड़ा कठिन काम है, पहले एक बार देख लिया जाए। मैंने कहा आप लोग अपना मुझे जो आप पत्र लाए पत्र दे दीजिए। मैंने प्रारंभिक रूप से उसकी जांच करवाई और मैंने जांच करवाई तो उसमें पाया गया कि निश्चित रूप से उसमें धक्के घोटाले हुए। भाई मैंने एक मिनट की भी देरी किए बिना मैंने तय किया, मैंने संकल्प लिया कि अब इस भर्ती के जितने भी धक्के घोटाले हुए हैं हम इनकी सबकी समुचित जांच करवाएंगे, संपूर्ण जांच करवाएंगे और जब तक एक एक आरोपी जेल के अंदर नहीं जाएगा तब तक इसकी जांच करवाएंगे। और मैं जानता था भाई बहनों ये बहुत कठिन काम है, ये कठिन काम है क्योंकि इसमें बड़े बड़े माफिया बड़े बड़े गिरोह संगठित होकर नकल का अभियान चलाते थे, नकल करवाते थे, उसमें तमाम प्रकार से लोगों को ब्लैकमेलिंग से लेकर एक संगठित रूप से नकल करवाने का अभियान लंबे समय से चलाया हुआ था। और मैं जानता था कि जब मैं नकल का यह नकल विरोधी अभियान प्रारंभ करूंगा तो निश्चित रूप से उन लोगों को परेशानी होगी, उन लोगों को खलबली मचेगी और तमाम लोगों को आगे बढ़ने का काम करेंगे। भाई और बहनों लेकिन मुझे पता है कि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के बल पर जिन्होंने हमको सेवा का अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने हमें आपके सम्मुख हर वो काम जो उत्तराखंड राज्य के हित में है उस काम करने के लिए हमको अधिकार दिया है, तो हम एक सेकेंड भी और एक पल भी पीछे नहीं रह सकते। हम चाहे इसके लिए कोई भी काम हमको करना पड़े, कितनी भी कठिनाई से हमको गुजरना पड़े, इसलिए हमने तय किया कि जांच होगी। और जांच में भाइयों बहनों जहां 60 लोग अभी तक जेल के अंदर जा चुके हैं, जो कभी भी किसी सरकार में कोई भी इस प्रकार की जांच नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, पहली सरकार है जिसने गिरफ्तारी और जिस जांच का पूरी तरह से भंडा फोड़ने का काम किया, पूरी तरह से इसको खोलने का काम किया। भाइयों बहनों मैंने आज नौजवानों से मैं कालसी के कार्यक्रम में गया था, लोग वहां मुझे कह रहे थे कि आप इस कार्यक्रम में मत आइए, यहां आप छात्र बहुत विरोध करेंगे, यहां के नौजवान विरोध करेंगे। मैंने कहा भाई नौजवान किस बात के लिए विरोध करेंगे, क्या हमने कोई गलत काम किया है? क्या मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि हमें जांच करवानी चाहिए लेकिन नहीं करवानी चाहिए, बताइए जरा आप लोग बताइए। नहीं हमारे इन बेटे बेटियों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों मैंने परीक्षा निष्पक्ष होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप लोग इतने धीरे क्यों बोल रहे हैं, क्या ठंड हो गई है क्या कह रहा है? क्या इन नकल के विरोध में जो भारतवर्ष का सबसे कड़ा कानून सबसे सख्त कानून उत्तराखंड के अंदर हम लाए, क्या वो कानून लाया जाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए था? भाइयों बहनों जो इस परीक्षा में नकल करवाने वाले हैं क्या उनको उम्र कैद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऐसे परीक्षार्थी जो इस नकल में लिप्त पाए जाएंगे उनको अगले 10 सालों से परीक्षा में कोई अवसर नहीं दिया जाना चाहिए या दिया जाना चाहिए था? भाइयों बहनों ये हमने निर्णय लिया है। और इसके साथ साथ जो लोग नकल करवाने वाले माफिया गिरोह है क्या उनकी संपत्ति जब्त नहीं होनी चाहिए थी? तो भाइयों बहनों हमने ये निर्णय लिया है, हमने कहा है कि अब एक ही परीक्षा निष्पक्ष तरीके से होगी, यह हमने निर्णय लिया है। तो मैं आज गया था मैंने वहां नौजवानों से पूछा, सारे नौजवानों ने आगे बढ़कर कहा कि नहीं सरकार जो भी काम कर रही है वह ठीक कर रही है। इसलिए मैं आप सबके सामने चूंकि विषय था और बेनाम जी ने इस विषय को छेड़ दिया इसलिए मैंने यहां पर भी गया इसकी चर्चा कर ली। इसलिए मैं आपके सामने एक सौगंध देकर कहना चाहता हूं भाई हमारी सरकार नौजवानों के लिए हमारे बेटे बेटियों के भविष्य के लिए हर वो काम करेगी जो उनके हित में होगा, उनको आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होगा। हम इस पर किसी प्रकार का भी कोई टॉलरेंस नहीं करेंगे, कोई भी समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमको कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़े, कितने षड्यंत्रों को भी जो है सामना करना पड़े, हम षड्यंत्रों से भी घबराने वाले नहीं है। हम इस पर लगातार आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के अंदर जो हमने नकल विरोधी कानून हिंदुस्तान का सबसे सख्त कानून बनाया है उस कानून को
संपूर्ण तरीके से लागू करके अब जितनी भी आगे परीक्षाएं होंगी सारी परीक्षाएं पारदर्शी करवाने का हमारा संकल्प है भाई। आज पूरे प्रदेश के अंदर आज लाखों परीक्षार्थियों ने आज पटवारी की परीक्षा में भाग लिया है और पूरी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपादित हुई है। मैं अपने बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि हमने कैलेंडर जारी कर दिया है, आने वाले समय में सारी परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, कैलेंडर के अनुसार होंगी और नौजवानों के युवाओं के जो सुझाव हैं उन सुझावों को भी हम सम्मिलित करेंगे। सबके साथ सम्मिलित होकर सबके साथ समन्वय बनाकर हमारी सरकार सारी परीक्षाओं का संपादन करेंगे और यह भी हमारा प्रयास है कि हमारे आने वाले जितने एग्जाम में हमारे बेटे बेटियों को किसी प्रकार से इस समय का समय उनका न कटे, समय पर उनकी परीक्षाएं हो जाएं, यह भी हमने सुनिश्चित किया है। कुछ लोग चाहते हैं भाइयों बहनों कि अब परीक्षाएं ही न हो, उनके समय में परीक्षा नहीं हुई। अभी परसों तक मुझे कहने लगे कि पटवारी की परीक्षा को कैंसिल कर दो, एनसीपी जी को भी कहा होगा, कह रहे थे हमने मुख्यमंत्री जी से एनसीपी जी से भी गाली मुख्यमंत्री जी से बात करनी। पूरे देश भर के इतने परीक्षार्थी, इतने हमारे बेटे बेटियां भाई बहन तमाम जगह से आ गए, बसों का हमने किराया निश्चित कर दिया। हमने कहा कि जो भी परीक्षार्थी पटवारी लेखपाल की परीक्षा में भाग लेंगे हम उनसे इस बार बसों का शुल्क नहीं लेंगे, क्योंकि परीक्षा पहले कैंसिल हो गई है। भाइयों बहनों उनके हितों की हमें संपूर्ण चिंता है और मुझे खुशी है कि आज लाखों परीक्षार्थियों ने भाग लिया है, परीक्षा अच्छे प्रकार से संपन्न हुई है और आगे भी सारी परीक्षाएं इसी प्रकार से संपन्न होंगी, ये आप विश्वास रखिए। आप लोगों को जगाने का काम करिए, हमारे नौजवानों को कुछ लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों की पिछले चुनाव में आपके दम पर जिनकी जमीन गायब हो गई है, जिनकी जमीन नहीं रही, वो अपनी जमीन तलाशने के लिए हमारे युवा बेटे बेटियों भाई बहनों के कंधों पर बंदूक रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं। भाई बहनों ये कदापि उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहन इसको समझेंगे और ये जो कृत्य है कहीं से भी मैं समझता हूं इसको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। मैं आपके अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए कि मुझे यह भी प्रसन्नता है कि आज हमारे राज्य की बेटियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन किया जा रहा है। आज इस योजना के शुभारंभ पर मैं जहां अपनी माताओं बहनों के चेहरों को देख रहा हूं, आप सभी के चेहरों को देख रहा हूं, आपके आत्मविश्वास और मुस्कान को देखकर मुझे भी निश्चित रूप से यहां से ऊर्जा प्राप्त होगी, जहां धनसिंह जी को प्राप्त हो रही होगी, बहन बेटा को हो रही होगी, हमारे मुद्रा सिंह कोहली जी को, महंत जी को, रेणु जी को, जिला पंचायत अध्यक्ष जी को, सुषमा दीदी को, मेरा भाई की खुशी हो रही है, वीरेंद्र की भी हो रही है, मंचा सिंह तो हो ही रही है, लेकिन चारों तरफ जिस प्रकार का मैं उत्साह देख रहा हूं ये निश्चित रूप से हम सबको भी कहीं ना कहीं ऊर्जा देगा और यह ऊर्जा हम उत्तराखंड के विकास में लगाएंगे, उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने उसके लिए काम करेंगे। और मुझे यह भी बताते हुए खुशी हो रही भाई बहनों, 23वां साल उत्तराखंड स्थापना का हो गया, इस बार की जो कर्तव्य पथ की झांकी थी, कर्तव्य पथ की जो झांकी थी ऐतिहासिक परेड थी, उस परेड में उत्तराखंड की झांकी मानसखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ भाई बहनों, उसके लिए मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं। आज हमारे पौड़ी क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई राजकुमार पौरी जी ने बहुत सारे मुझे प्रस्ताव दिए, क्योंकि उनकी विधानसभा और जिला मुख्यालय भी है, मैं उनको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और उनको मैं अपने सभी प्रस्तावों में सम्मिलित करूंगा। इसके साथ साथ पौड़ी जो बस अड्डा का कार्य अपूर्ण है उसको शीघ्र पूरा करने के लिए जो भी धनराशि उसमें जरूरत होगी, जो भी धनराशि उपयुक्त होगी उस धनराशि को स्वीकृत किया जाएगा, यह मैं घोषणा करता हूं। और पूरी पौड़ी नगर के लिए एक बहुमंजिला पार्किंग यहां पर इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण भी यहां पर कराया जाएगा। ऐतिहासिक नगर पौड़ी के मुख्य बाजार का
सौंदर्यकरण कर भारा रोड से एजेंसी चौक तक हेरिटेज स्ट्रीट के रूप में इस नगर को विकसित किया जाएगा। इसके अलावा हमारे यमकेश्वर विधानसभा से विकासखंड दुगड्डा ग्राम सकाली के समीप खो नदी पर 42 मीटर स्पॉन स्टील गार्डन हेतु सेतु का निर्माण कार्य किया जाएगा। विकासखंड यमकेश्वर के अंतर्गत नीलकंठ क्षेत्र के कावड़ क्षेत्र को मेला क्षेत्र घोषित किया जाएगा। भाइयों बहनों, श्रीनगर में सीवर लाइन का काम पूरा किया जाएगा। हेलीटेंट को खुद जिला चिकित्सालय बनाया जाएगा। भारी देवी में पार्किंग भी बनाई जाएगी। अतः त्रिपाली सेण में भी पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। अभी जो हमारे खाद्य विभाग द्वारा गेहूं चावल पहले से दिया जा रहा है, इस वर्ष से इसमें मंडवा भी दिया गया है। चीनी नमक सस्ती दरों पर जल्दी ही प्रारंभ किया जाएगा। तेल एवं मसाले भी सस्ती दरों पर यह कार्य योजना भी बनाई जा रही है। जल्दी ही खाद्य विभाग हमारी इस प्रकार की योजना को भी क्रियान्वित करेगी। आज आप सबको मैं फिर से धन्यवाद करते हुए और हमारा यह प्रयास रहेगा कि पूरी सरकार हम लोग एक सम्मिलित सरकार के रूप में एक संगठित उत्तराखंड के विकास के लिए पूरे समन्वय के साथ काम करेंगे। और एक बार पुनः अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं देते हुए और समस्त मातृशक्ति को इन पत्तियों के साथ नमन करता हूं। कभी देव स्वरूपा कहलाती है, कभी देव स्वरूपा कहलाती है, कभी स्नेह पूर्वक सहलाती है। ममता रस की स्रोत वही, ममता रस की है स्रोत वही, जिसके पवित्र ससर्ग में हर पाप हो दहन। मातृशक्ति तुम्हें नमन, मातृशक्ति तुम्हें नमन, मातृशक्ति तुम्हें।